बाहर का रास्ता दिखा दिया है पार्टी ने। बिहार की आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए रात दिन काम करते हैं। जब वो सांसद बने थे जमुई से तो नीतीश कुमार जी का ही आशीर्वाद मिला था और सांसद बने थे। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की आवाज़ हैं और विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। बिहार में जो महागठबंधन बना, महागठबंधन पूरे देश में बिहार मॉडल के रूप में दिखाई दिया और आज उसी का रूप जो है, बढ़ता हुआ रूप जो पूरे इंडिया में इंडिया गठबंधन बन गया और इंडिया गठबंधन एक मजबूत और एकजुटता की तरफ जो है वो अपना ताकत दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता जो 9 साल भाजपा के कुशासन से तबाह थी, बदहाल थी, बेहाल थी, वो जो है भाजपा को हटाना चाहती है, मोदी को हटाना चाहती है और इसके लिए विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन को देख रही है। और नीतीश कुमार जी उस इंडिया गठबंधन विपक्ष की आवाज़ है। और चिराग पासवान जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस पर ज़्यादा दिमाग हम लोग लगाते नहीं हैं, उनके बयान का हम लोग कोई माने मतलब और रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जो खुद किसी के पिछलग्गू हों, भले वो माने ना माने, जबरदस्ती हनुमान बने रहते हैं। लेकिन वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ना तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और ना लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उन्हें जनता क्या। जब वो सांसद बने थे जमुई से तो नीतीश कुमार जी का ही आशीर्वाद मिला था और सांसद बने थे। आज जो सांसद हैं उसके लिए नीतीश कुमार जी के ही यहाँ जाकर के आशीर्वाद लेकर के गए और सांसद बने। अपना सिर्फ हवा दिखा देने से और जिस दल के साथ हैं, जिस गठबंधन के साथ जबरदस्ती अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ झूठे प्रचार प्रसार और जुमला है। और इनको यहाँ तक भी होश नहीं है कि वही भारतीय जनता पार्टी इनके चाचा भतीजा में खुद लड़वा रही है और ये लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में ये अपने आप को बड़े बहादुर समझते हैं, लेकिन इनकी और इनके चाचा का दोनों की तो ही नहीं हो रही। वही चिराग पासवान ने बोला है कि सीएम सिर्फ गठबंधन बदलते हैं और ना जनता के बीच जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। नीतीश कुमार जी बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किए हैं और बिहार की आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए रात दिन काम करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते कौन कहाँ क्या बोल रहा है, सिर्फ वो काम की बात करते हैं। जदयू के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू के जो नेता हैं वो बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। जब खुद उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, हमेशा देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी पर क्या कहा जाए, हमेशा पार्टी बनाते रहते हैं, पार्टी तोड़ते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते रहते हैं। तो जिस आदमी का दिमाग खुद स्थिर नहीं है वो किसी के ऊपर कोई बयान देते हैं ये उचित नहीं है। और बात रही जनता दल यू के, जनता दल यू अटूट है, मजबूत है, एकजुट है। लेकिन आज जिस तरह से आपके एक नेता ने इस्तीफा दिया है, कैसे देखते हैं इसको? इस्तीफा दिया है या उनको हटाया गया है? उनको 10:37 पर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। क्यों? वो पार्टी के प्रवक्ता थे और कभी इतने दिनों के बीच में कभी पार्टी के इस प्रवक्ता कक्ष में आकर के या पार्टी कार्यालय में आकर के न कोई उनका बयान देखा होगा, न कोई वक्तव्य देखा होगा और हमेशा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते। और जो है उनके जो बयान आए बाहर से वो हमेशा पार्टी के खिलाफ और बगावत का स्वरूप दिखाई पड़ रहा था, तो इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है पार्टी ने। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।